गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं फिर से चलाया कक्षा स्टैंडर्ड 1 में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए। तो तुम सब तैयार हो जाओ मेरे साथ क्लास करने के लिए। चलो, तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? मेरी शब्दमाला। आज चलो 3 अक्षरों से बना शब्द को एक बार पढ़ते हैं। ये क्या है? अमर, आ जाए, अकल, अकड़, इधर, उधर, उमस, उछल, उमर, कमल, कड़क, कलम, कदम, गरज, गरम, गरल, गजब, चमक, चरण, चहक, चटक, छलक, छलर, छलक, छटल, छनक, छनन, जगत, जनक, अकड़, जगह, झपक, झलक, झगर, झपक, टपक, टहल, टसर, टशक, ठहर, ठहर, टशक, ठनक, ठमक, डगर, डपट, डहन, डहर, तरप, तड़क, तरल, तपश, दमक, दहल, दमन, दहन, धमक, धड़म, धड़क, धड़न, नहर, नमक, नजर, नगर, पलक, पवन, पकड़, पहन, बहन, बहस, बटन, बदल, भगत, भजन, भवन, भरत, महल, मगर, मदन, मनन, रहन, रमन, रगर, रजत, लटक, लपक, लहक, लहर, शयन, शहत, शरम, शहर, शबक, शरल, सड़क, शहन, हवन, हजम, हरप, हनन। तो ये हुआ 3 अक्षरों के मिलकर वार, 3 अक्षर वाली वार। चलो, एक बार फिर 2 अक्षर वाले वर्ड को भी पढ़ लेते हैं। कल, कड़, कम, कट, खक, खड़, खत, खट, गम, गल, गड़, गक, घर, घन, घट, घम, चल, चर, चक, चर, छन, छन, छत, छन, छल, छर, जग, जल, जन, चप, झर, झक, झन, झल, टप, टप, टन, टक, ठक, ठन, ठक, ठप, डग, डर, डक, डप, ढप, ढक, ढल, ढम, तल, तन, तप, तक, थन, थर, थल, थक, दम, दल, दस, दप, धन, धर, धक, धर, नल, नक, नर, नश, पक, पल, पक, पत्र, फल, फर, फट, फन, बल, बक, बज, बस, भर, भज, भग, भय, भक, मन, मत, मत, यज्ञ, यक्ष, यश, यम, रात, राख, रज, राश। यही तक। तो ये हो गया 2 अक्षर वाले साथ और वो हो गया 3 अक्षर वाले साथ। चलो, यहाँ पर देखो, आज का दिनांक क्या है? आज का दिनांक है 22/7/20। क्रिएट न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लेटर्स। यहाँ पर कुछ लेटर दिया है और बीच में एक लेटर है, इनसे इनको मिलकर यहाँ पर एक न्यू वर्ड बनाना है। जैसे नौ और ल मिलकर क्या हुआ? नल। नल, नल। ब और ल मिलकर हो गया बल। ब ल क युक्त ल मिलकर कल। छ युक्त ल मिलकर छल। द युक्त ल दल। ह युक्त ल हल। तो देखो, न युक्त ल नल, ब युक्त ल बल,
क युक्त ल कल, छ युक्त ल छल, द युक्त ल दल और ह युक्त ल क्या हो गया हल। अब यहाँ पर देखो, लर्न एंड काउंटिंग 1 to 10 इन हिंदी एंड इंग्लिश। लर्न एंड काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब गिनती करना। ये देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 9, ठीक उसी तरह 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ये है हिंदी में 1 से 10 तक, ओके, 1 से 10 तक। ये क्या हो गया, 1 और 0 अंक, 0 को क्या कहते हैं हिंदी में, 0। तो इसको अच्छी तरह से घर में रीड करना। आज यही तक स्टूडेंट्स, बाय।